Today I am going to tell you about the evaporation. So what is evaporation? ये वो phenomenon होता है जिसमें कोई भी liquid vapors में change होता है, लेकिन condition ये होती है the temperature should be below its boiling point. उसका जो temperature है उसके boiling point के equal नहीं होना चाहिए. In other words, we can say that this is the phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. So is this clear? Now I will tell you about the factors affecting the rate of evaporation. Basically there are four factors which affect the evaporation. The first one is the surface area, second one is the temperature, third one is the humidity, and last one is the wind speed. अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया की, देन जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है वैसे ही इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो पार्टिकल्स हैं दे गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी, देन दे गो इनटू द वेपर स्टेट बाय टेकिंग दैट एनर्जी. ओके, नेक्स्ट है थर्ड वन ह्यूमिडिटी. देखिए ह्यूमिडिटी क्या होता है, दिस इज द मॉइस्चर पार्टिकल्स होल्ड बाय द एयर पार्टिकल्स. ठीक है, तो ये मॉइस्चर को यहाँ पे इंडिकेट करता है. इफ अमाउंट जो वाटर का है एयर में ऑलरेडी हाई होगा तो उस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज एटमोसफियर एयर हैज़ द अ लिमिट टू होल्ड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. So with increase in the humidity there is a decrease in the rate of evaporation. The last factor is the wind speed. जैसे जैसे wind speed बढ़ेगी तो wind speed बढ़ने से जो particles है air के they will move away with the wind and they will convert into the vapor state. So in other words we can say with the increase in the wind speed the rate of evaporation also increases. This was all about the factors affecting the rate of evaporation. I'm going to tell you about the how evaporation causes cooling. Okay, तो देखिए होता क्या है evaporation process में, कि जो surrounding के particles होते हैं उनसे जो water के particles होते हैं they get energy, और उसके साथ साथ जो वाटर में इनसाइड पार्टिकल्स होते हैं उनसे भी वो एनर्जी लेते हैं, और उस एनर्जी के साथ दे गेट इवेपोरेटेड, दे मूव अवे फ्रॉम द लिक्विड. जैसे ही वो उस एनर्जी को लेके जाते हैं देन जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं जो डाउन में रह जाते हैं दे हैव द लोअर एनर्जी. सो फॉर बैलेंसिंग दैट वन द लिक्विड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू regain the lost energy during the evaporation. So this absorption of energy from the surroundings makes surroundings cold. तो इसीलिए यहाँ पर cooling sensation feel होता है. ठीक है, अब इसके देखिए मैं आपको कुछ examples के बारे में बताऊँगी जो कि cooling sensation show करता है. So first one is our palms feel cold when we put some acetone on it. हम जैसे ही अपनी हथेली पर कुछ एसीटोन रखेंगे तो वो evaporate हो जाएगी by taking some energy from our palm. इसीलिए our palm feels cold. Okay. The second example, the people sprinkle water on their roofs or ground on sunny days. क्यों? क्योंकि water droplets जैसे ही ग्राउंड के और रूफ़ के कांटेक्ट में आते हैं देन दे टेक एनर्जी फ्रॉम रूफ एंड ग्राउंड. बाय टेकिंग दैट वन एनर्जी दे गेट इवेपोरेटेड एंड हैंस मेक ग्राउंड एंड रूफ्स कोल्ड. ओके, द लास्ट एग्जांपल, दैट इज़ द थर्ड एग्जांपल, वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर इन सॉसर देन इन अ कप. तो इसका रीज़न क्या होता है, जो सॉसर है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन है दैट इज़ आल्सो फास्टर. दैट्स व्हाई वी कैन टेक सिप फास्टर इन सॉसर देन इन अ कप. ओके, ड्यू टू इवेपोरेशन वन क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. ओके, सो वेरी सिंपल आंसर,
समर के दौरान क्या होता है, वी परस्पायर मोर, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, एंड स्वेट इवेपोरेट्स, जैसे ही स्वेट इवेपोरेट होता है देन इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम आर बॉडी सरफेस, ठीक है, और हमारी बॉडी सरफेस इससे एनर्जी लेके इवेपोरेट हो जाता है, तो हमारी बॉडी को कैसा करेगा, ये कूल करेगा, ओके. द कॉटन कैन एब्जॉर्ब द स्वेट इजीली एंड एक्सपोजेस इट टू द एटमॉस्फियर, ठीक है. अब देखिए, जैसे ही कॉटन उसको एब्जॉर्ब करेगा तो उसको एयर में भी एक्सपोज करेगा, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन है वो इजीली हो जाएगा, एंड इवेपोरेशन गिव्स व्हाट सेंसेशन, कूल सेंसेशन, दैट्स व्हाई आर बॉडी कीप्स अस कूल. सिमिलरली द कॉन्सेप्ट रिलेटेड इवेपोरेशन कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस क्वेश्चन ऑल्सो. क्या है ये, व्हाई वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द सराउंडिंग्स ऑफ अ ग्लास विद आइस कोल्ड वाटर, ठीक है, आइस कोल्ड वाटर है तो उसकी ग्लास के सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आ जाती हैं. देखिए, होता क्या है, एक्चुअल में एयर में कुछ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जैसे ही वो आइस कोल्ड ग्लास के कॉन्टेक्ट में आती हैं देन दे कंडेंस एंड गेट्स कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट, इसीलिए वो वाटर ड्रॉपलेट्स ग्लास की सरफेस पे दिखाई देती हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इवेपोरेशन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.